नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन असिस्टेंट में। दोस्तों, क्या आपने भी अटल पेंशन योजना का लाभ ले रखा है? अगर दोस्तों आपने इस योजना के लिए एनरोल नहीं किया है या फिर आपको इसकी जानकारी नहीं है कि कैसे इस योजना में एनरोल करें, तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड कर रखा है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सीधे इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यह योजना दोस्तों बहुत ही प्रभावशाली है, इसमें 3 फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या अगर आपने इस योजना का लाभ ले रखा है और आपको आपका प्रान नंबर मिल गया है तो कैसे आप अपने इस योजना के बारे में संपूर्ण विवरण को देख सकते हैं, उसके ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को देख सकते हैं, अपना प्रान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और कितना आपका अमाउंट जमा है, कितना पेंशन मिलेगा, सब आप देख सकते हैं इस ऐप की मदद से। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और आपको सर्च कर लेना है APY। APY सर्च करने के बाद दोस्तों इसके रिगार्डिंग रिजल्ट सामने आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले ही ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया हुआ तो आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वहाँ से इंस्टॉल कर ले। मैं अभी इसको दोस्तों ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटल पेंशन योजना के रिगार्डिंग यहाँ पे लोगो भी आ गया है और यहाँ पे मैंने अपना प्रान कार्ड नंबर पहले से सेव कर रखा है। तो दोस्तों मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाता है, बस आपको सिंपली यहाँ पे अपना OTP दर्ज करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारी डिटेल है वो फैच कर ली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो होल्डिंग्स अमाउंट है वो हमारा यहाँ पे दिखा दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों आप नीचे में देख सकते हैं यूनिट और NAV भी यहाँ पे दिखाया गया है और अमाउंट भी दिखाया गया है। तो दोस्तों ये तो हमारे पेंशन के रिगार्डिंग जानकारी है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो SBI फंड में, पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि हमें पेंशन का लाभ मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट डिटेल के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा प्रान नंबर, मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है और स्टेटस एक्टिव दिखाया जा रहा है। दोस्तों मैंने इसे CSC से लिया था, इसलिए यहाँ पे CSC भी दिखाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो यहाँ से रीसेंट कंट्रीब्यूशन को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस डेट में मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि कितना पैसा जमा किया है। उसी तरीके से दोस्तों फिर से आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पे क्लिक करके आप ईयर वाइज देख सकते हैं कि आपका कितना अमाउंट जमा हुआ है। यहाँ पे आप सिंपली सबमिट करेंगे, आपका फाइल PDF में डाउनलोड हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों आप प्लान का व्यू भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्लान पे क्लिक करेंगे और यस दबाएंगे तो आप जो प्लान कार्ड होता है वो एक्चुअल में डाउनलोड हो जाता है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो प्लान कार्ड है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। सिक्योरिटी रीजन से दोस्तों मैं इसे ओपन नहीं कर सकता, इसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहता है। उसके अलावा दोस्तों आप इंक्वायरी और ग्रीवांस पे क्लिक करके आप इसके रिगार्डिंग कोई आपको कुछ पूछना हो, कोई सूचना चाहिए या फिर कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप दर्ज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और इसका जो आंसर है वो बहुत जल्दी आ जाता है। तो दोस्तों मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप अपना प्लान कार्ड के लिए एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें उसकी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।